हम भारत के ऐसे महापुरुष और वीर योद्धा और धर्म रक्षक के विषय में आपको बताना जा रहे हैं, जो शौर्य पराक्रम और वीरता की प्रतिमूर्ति था और ऐसी महान विभूति का नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप राजस्थान में मेवाड़ के नायक थे, यानी कि राजस्थान में मेवाड़ में इनके दादा राणा संग्राम सिंह का जन्म हुआ था। राणा संग्राम सिंह महाराणा प्रताप के दादा थे, वो भी महान बहादुर थे। उनके विषय में तो यहां तक किंवदंती है कि 84 घाव लड़ने के बावजूद, 84 घाव होने के बावजूद वो युद्ध लड़ते रहे। महान वीरता की मूर्ति थी। और उनके पुत्र उदय सिंह कुछ कम वीर हुए, परंतु वीरता के सारे गुण राणा संग्राम सिंह के महाराणा प्रताप में कूट कूट कर भरे हुए थे। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को संवत 1556 में राजस्थान मेवाड़ में हुआ था। उस समय भारत में दिल्ली का बादशाह राजा अकबर हुआ करता था। राजा अकबर के दो ही सिद्धांत थे, नंबर एक राज्य का विस्तार करना, नंबर दो धर्म परिवर्तन कराना, अर्थात हिंदू धर्म के व्यक्तियों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करना। यद्यपि इस देश की भाग्य विडंबना ऐसी रही है कि पहले भी इस देश में कई मुस्लिम आक्रांता आए, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी यहां के मंदिरों से धन लूट कर ले गए और देश को बर्बाद और तबाह करके चले गए। इसके बाद भी हमारी एकता और अखंडता में कमी रहने के कारण हमारा बहुत ही नाश हुआ है, पतन हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ है, राज्य छीने गए हैं। भाग्य विडंबना थी कि उस समय 563 रियासतें देश में थीं लगभग, और प्रत्येक राजा एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत रखता था और एक दूसरे से युद्ध होते थे। वही हुआ जो उस समय होता था। टाइम, प्लेस एंड सर्किमिस्टेंसेस, यानी देश, काल और परिस्थितियों ने ऐसा महाराणा प्रताप को कर दिया कि वो युद्ध करने के लिए राजा अकबर से मजबूर हो गए। राजा अकबर ने अपना सेनापति मानसिंह महाराणा प्रताप के पास भेजा और उससे कहा कि जाओ, महाराणा प्रताप यदि संधि चाहते हैं तो संधि करें, अन्यथा उनका राज जबरन मेरे राज्य में मैं मिला लूंगा। राजा मानसिंह ने संदेशा दिया तो महाराणा प्रताप युद्ध के लिए तैयार हो गए। क्यों कि महाराणा प्रताप में जज्बा था, जोश था, जुनून था, धर्म के प्रति, मातृभूमि के प्रति और इस देश की स्वाभिमान के प्रति। उन्होंने युद्ध अकबर का स्वीकार लिया और अरावली की पहाड़ियों के पास हल्दी घाटी नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ। हल्दी घाटी इसलिए कहते थे कि वहां के पत्थर और मिट्टी सभी पीले रंग की है, हल्दी जैसा रंग है, इसीलिए उसे हल्दी घाटी कहते थे। महाराणा प्रताप के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और वफादार चेतक नाम का घोड़ा था। चेतक पर सवार होकर महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर के सैन्य बल के साथ चल दिए और राजा मानसिंह से घोर युद्ध हुआ। और युद्ध करते करते चूंकि राजा अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और राजपूताना सेना छोटी थी, काफी महाराणा प्रताप के सैनिक युद्ध में मारे गए। महाराणा प्रताप को भी मुगलों ने घेर लिया। उसी समय उनका वफादार सैनिक एक छला नाम का आया और महाराणा प्रताप के सर से मुकुट उठा करके अपने सर पर रख लिया। उसको श्याम नारायण पांडे बेचैन ने बड़े मार्मिक भाव में लिखा है कि रख लिया छत्र अपने सर पर,
राणा प्रताप मस्तक से ले ले भीम पताका जूझ पड़ा रणभीम कलान तक से ले झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े वे झाला पर मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला था। झाला के मर जाने के बाद महाराणा प्रताप वहां से भाग निकले। जब महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों की ओर जा रहे थे उस समय भी उनके पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु उस समय जब दो मुगलों ने उनका वध करना चाहा, उसी समय उनका सगा भाई जो बचपन में उनसे अलग हट गया था, शत्रुता मानता था, शक्त सिंह, तो शक्ति सिंह का भ्रात प्रेम उमड़ पड़ा और शक्त सिंह ने दोनों मुगल सैनिकों को मार दिया। तदुपरांत महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों की ओर चले गए और वहां छिपते रहे, व्यथित रहे, परेशान रहे। उनकी एक पुत्री थी, पत्नी थी, उनको ही साथ रही और महाराणा प्रताप को वहां घास की रोटियां तक खानी पड़ी। एक दिन क्या हुआ कि महाराणा प्रताप की पत्नी ने दो घास की रोटी बनाई, एक रोटी छोटी पुत्री को दी, पुत्री रोटी खाने ही वाली थी, इतने ही एक जंगली उदबिलाव आया और पुत्री के हाथ से रोटी छीन ले गया। उसी समय महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आने के बाद जैसे ही उन्होंने महाराणा प्रताप ने सामने देखा तो उनका एक बहुत वफादार सेठ भामाशाह नाम का सेठ उनके सामने खड़ा था। बोले, महाराणा प्रताप, ये क्या हो रहा है, आपकी आंखों में आंसू? ऐसा कदाप मैं नहीं देख सकता। लीजिए, ये 25,000 स्वर्ण मोहरे हैं, इससे पुनः सेना एकत्र करो और युद्ध लड़ो। महाराणा प्रताप ने पुनः सेना एकत्र की और युद्ध किया और अपना जीता हुआ राज मेवाड़ वापस ले लिया। 31 छोटी छोटी रियासतें उन्होंने वापस ले ली। युद्ध करते रहे, जीवन भर महाराणा प्रताप ने युद्ध किया। परिणाम स्वरूप उन्हें बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा आने के कारण उनकी सन 1633 में मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में हम अंत में इतना कह सकते हैं कि वो धर्म रक्षक थे, महापुरुष थे, महान विभूति थे। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी ने जीवन भर धर्म की रक्षा की, उसी प्रकार महाराणा प्रताप ने धर्म की रक्षा की। भारत में कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया है, देश के लिए कार्य किया है, धर्म रक्षा के लिए कार्य किया है और देश की आजादी के लिए भी कार्य किया है। वही सब जिन्होंने समाज, राष्ट्र, देश के को योगदान किया है, वही मानवता की श्रेणी में आते हैं, वही महापुरुष हैं। जिसे उदाहरण के तौर पर, जिसे न राज तिलक की खुशी और न बन जाने का गम, जिसे न राज तिलक की खुशी और न बन जाने का गम, उसे हम श्री राम कहते हैं। जिसे न राज तिलक की खुशी न बन जाने का गम, उसे हम श्री राम कहते हैं। और जो कर्मयोगी समर्पित राष्ट्र को, उसे घनश्याम कहते हैं। मानवता के पुजारी को यदि हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं तो पाखंड खंडक को हम स्वामी दयानंद कहते हैं। क्रांतिकारियों को यदि हम आजादी की आंधी कहते हैं तो सत्य अहिंसा के पुजारी को हम महात्मा गांधी कहते हैं। जंगल के राजा को यदि हम सिंह कहते हैं तो आजादी के नायक को हम भगत सिंह कहते हैं। शेखर सुभाष से क्रांतिवीरों को हम महापुरुष कहते हैं तो देश को अखंड करने वाले को हम लौह पुरुष कहते हैं। तंतक अर्पित भारत मां को उसे सच्चा सपूत कहते हैं और सर कट जाए मगर धड़ रहता रहे, उसे हम राजपूत कहते हैं। बोलो महाराणा प्रताप की जय।